आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर आज सचिवालय में बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी चारधाम यात्रा पर बैठक करेंगे। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रखे हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने हालांकि टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रखे हैं। हालांकि दरारों की टेंशन को देखते हुए सीएम धामी हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, धर्मस्व एवं संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहने वाले हैं। अधिकारी इसमें अपने विभागों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, लेकिन सबके बीच जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों ने टेंशन बढ़ा रखी है। तो चारधाम यात्रा पर सरकारी फॉर्मूला अब क्या है वो अब आप जान लीजिए। जोशीमठ आपदा के बीच चारधाम यात्रा की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। चारधाम यात्रा पर सचिवालय में बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। लगभग 9 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और हर अधिकारी अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे। 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। आज से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। व्हाट्सएप और ऐप के जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक आज होने जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से हो जाएगी। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं और करीब 9 विभागों के विभागाध्यक्ष यानी बड़े आला अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि पूर्व में जो चारधाम यात्रा रही है उसमें करीब 64 लाख यात्री यानी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जिसको लेकर आज तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो यात्रा मार्ग है उन पर किस तरीके की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, और यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यात्री शेड हो, या तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। और जिस तरीके से आज ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का है वो अभी उत्तराखंड में शुरू हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हालात जोशीमठ में बिल्कुल सामान्य नहीं है। लगातार भूदशाओं बंद लगातार जा रहा है, लेकिन अब जोशीमठ की आपदा को देखते हुए जो बद्रीनाथ की यात्रा होगी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रभावित ऐसी हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर विभागों की है, क्योंकि पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हार्ट अटैक से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो हेल्थ विभाग से ये जानकारी मिल रही है कि यानी कि चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई अड़चन ना, इसको लेकर के आज की बैठक के बेहद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।